हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे कच्चे नारियल की बर्फी, वो भी कुछ टिप्स के साथ, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम समय में। तो मेरा वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस टेस्टी कच्चे नारियल की बर्फी। तो कच्चे नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक नारियल, और उसका मैं ब्राउन वाला हिस्सा साफ कर दूंगी, जिससे कि हमारी बर्फी देखने में भी अच्छी बनेगी और खाने में भी अच्छी बनेगी। तो ये मैंने नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि हमें यहाँ नारियल को कद्दूकस नहीं करना है। मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करने वाली हूँ, और ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। बस हमें इस नारियल का बुरादा बनाना है, वो भी बिना पानी के। और ये देखिए, मैंने एक बूंद भी पानी नहीं यूज किया है इसमें, बस नारियल डाला है और ये हमारा बुरादा हो गया तैयार। आप चाहें तो दो बार में पीस लें इसे। अब इसे हम कप से इसका मेज़रमेंट लेंगे। मेरे पास मेज़रमेंट कप अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नॉर्मल कप का यूज़ किया है। और बस मेज़रमेंट बहुत ही ज़रूरी है बर्फ़ी बनाने के लिए, क्योंकि तभी हमें चीनी का अंदाज़ा मिलेगा कि हमें इसमें कितनी चीनी डालनी है। तो ये हो गया एक कप, और फिर जो बचा हुआ नारियल का बुरादा है उसे भी हम इसी कप से नाप लेंगे। तो ये लगभग दो कप है, दो कप से थोड़ा सा कम है, और आप इसी तरह से मेज़र कर लें, तभी आपको चीनी का आइडिया मिल पाएगा कि आपको बर्फ़ी में कितनी चीनी डालनी है। तो ये लगभग दो कप से थोड़ा सा कम है। तो चलिए अब हम बनाते हैं कच्चे नारियल की बर्फी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई गैस पे रख दी है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपको फ्लेम हाई नहीं करना है शुरू से लेके लास्ट तक, और बस इसे हमें भुनना है। नारियल का दूध सुखा लेना है, नारियल को थोड़ा फरहरा कर लेना है, और फ्लेम हाई हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने फ्लेम हाई किया तो हमारे नारियल के बुरादे का कलर चेंज हो जाएगा और बर्फ़ी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हमारा बुरादा फरहरा सा हो गया है, 5 से 10 मिनट का समय लगा इसमें। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 से 3 चम्मच मलाई, नॉर्मल जो घर की मलाई निकलती है दूध से, मैंने यहाँ पे वही यूज किया है। और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, इस नारियल की बर्फ़ी को बहुत टेस्टी बनाती है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली, लेकिन मैंने थोड़ी सी चीनी बचा, क्योंकि हमारा नारियल का बुरादा 2 कप से थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी इसमें डाली है। अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे, बस बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है इलायची पाउडर। मैंने यहाँ 2 इलायची का पाउडर बनाया था, जिसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और बस इसी तरह से हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर अब लगभग तैयार होने वाला है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और ये देखिए बिल्कुल तैयार है मिक्सचर, सारा मिक्सचर आपस में जुड़ रहा है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे अच्छे से फैला लेंगे, और इसे हमें 15 से 20 मिनट जमने के लिए छोड़ना भी होगा। तो ये देखिए, इसी तरह से हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छी तरह फैला देंगे चारों तरफ से। इसे अच्छे से आप सेप दे दीजिए। मैंने प्लेट में घी भी नहीं लगाया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें मलाई डाली है, और नारियल में भी बहुत ऑयल होता है। आप चाहें तो प्लेट में पहले घी लगा लें। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, और ये हमारी बर्फ़ी अब ठंडी हो चुकी है 15 से 20 मिनट में। तो अब मैं इसे चाकू से कट कर रही हूँ। आप अपने मनचाहे आकार में, जैसा भी आपको पसंद है, बड़ा छोटा, आप इसे काट सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे चौकोर टुकड़ों में काट रही हूँ, क्योंकि बर्फ़ी चौकोर इसी टाइप से अच्छी लगती है, और काटने में भी थोड़ी आसानी होती है। और ये देखिए, हमारी नारियल की बर्फ़ी, डिलीशियस बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। और बिलीव मी फ्रेंड्स,
बहुत टेस्टी बनती है ये बर्फ़ी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इसे, बहुत अच्छी लगती है, बहुत यम्मी लगती है। तो अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लूँगी। मेरे घर में तो ये बर्फ़ी बहुत ही फटाफट ख़त्म हो जाती है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी नई नई रेसिपीज के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।